सो so, गाइस कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम टू वीडियो So today we are going to do the chapter number one of NCERT book for class seventh mathematics. The name of the chapter is integers. So अगर मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों ने आ, आ, पहले एक introduction video बनाई हुई है introduction video का हमारे पास part वन है So अगर आप लोगों ने वो part वन नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए क्योंकि this is part टू and then आ, uh, आप जब उस part uh, पार्ट टू को देखेंगे सो इट इज़ वेरी एशेंशियल क्योंकि उसमें पार्ट वन में हम लोगों ने आधा चैप्टर कवर uh, कर लिया था एंड इन दी पार्ट टू वी विल कवर आवर जो हमारा चैप्टर रहता है उसको हम लोग कवर करेंगे सो so, आज को जो हम uh, आज जो हमको स्टार्ट करना था वो था हमारा फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सो चलिए फटाफट से चलते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पर सो गाइज़ वेलकम हम लोग आ चुके हैं अपने मल्टीप्लीकेशन uh, प्रॉपर्टी पर सो so, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है तो यहाँ ये यह हमारा पार्ट है सो so, इसमें हमको बताया गया है कि हमारा पहला जो कह रहा है दिस इज़ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर सो इसमें क्या बोला गया है क्या हमको मल्टीप्लीकेशन uh, जब हम लोग करते हैं सब मल्टीप्लीकेशन करते समय ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन एक साइड क्या होगा मतलब हमारे लेफ्ट साइड में है हमारे पॉजिटिव नंबर और राइट right साइड में हमारे नेगेटिव नंबर ओके सो अगर हम लोग एक एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है अगर ऐसे करके हम लोग जो इक्वेशन है अगर उसको सॉल्व करते हैं सो व्हाट वी विल गेट नो नाउ लेट बिगिन सो अगर मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है एक साइड हमको पॉजिटिव लेना है एक साइड हमको नेगेटिव लेना है right? राइट समझ आ गया ना आप लोगों को so, सो एक साइड लेते हैं हम लोग फोर तो लेफ्ट साइड में हमारे पास फोर है एंड दूसरी साइड में हमारे पास है माइनस टू तो देखते हैं कौन जीतता है सो फोर मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे फोर मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे पहले हम लोग सो फोर टू आया एंड हमारे पास साइन एक इधर माइनस का है और एक इधर प्लस का है सो so, हमारा आंसर एट आया था सो प्लस माइनस हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे माइनस प्लस माइनस का तो प्लस माइनस बिकम माइनस वी गेट सॉरी एक साइन ऑफ माइनस ओके सो हमारा जो आंसर होगा सॉरी सो अब आंसर बिकम माइनस एच ओके सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन नाउ लेट कम टू आवर सेकेंड प्रॉपर्टी सो जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने अभी जो पहले वाला किया था इसका हमारा जो रूल है वो ये रहा अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड प्रॉपर्टी पर अब इसमें कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव नंबर अब दोनों एक साथ ही हैं मतलब एक तरफ है हमारा नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरी तरफ भी हमारा सेम नंबर है मतलब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव को प्लस करेंगे तो वट विल गेट सो एक तरफ आते हैं हमारे माइनस मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं ब्रैकेट कर देंगे और ब्रैकेट में एक तरफ ब्रैकेट में आते हैं हमारे माइनस टू सो वॉट वी विल गेट सो नाउ लेट बी ठीक है तो हमारे पास ये क्वेश्चन है थ्री टू जा कितना होता है हमारे पास थ्री टू जा बिकम सिक्स वी गेट अ नंबर ऑफ सिक्स एंड माइनस माइनस बिकम प्लस सो so, जैसे कि आपको पता है कि प्लस का साइन हम लोग नहीं लगाते हैं ये हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में देखा था सो so, माइनस माइनस बिकम प्लस सो so, हमारा आंसर कितना आ जाएगा सो आवर आंसर सॉरी आंसर वी बेकम सिक्स ओके सो दिस इज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट नेक्स्ट में आता है uh, अब यहाँ पे हमारे जो मल्टीप्लीकेशन की जो ये वाली प्रॉपर्टी थी ये तो हम क्लियर हो गई अब इधर हमारा uh, यहाँ पे एक गेम दिया हुआ तो दिस इज़ आवर गेम इसमें हमको uh, क्या किया गया है हमको एक डाइस लेना और इसके थ्रू हमको खेलना है सो so, uh, अभी हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं वो टॉपिक हमको अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या रहा है प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर नेगेटिव नंबर मतलब अगर हमको क्या निकालना होगा uh, किसी भी नंबर का प्रोडक्ट निकालना होगा क्या निकालना होगा प्रोडक्ट निकालना होगा किस चीज़ का प्रोडक्ट निकालना होगा अगर हमको थ्री या थ्री से ज़्यादा नेगेटिव नंबर का अगर हमको प्रोडक्ट निकालना होगा प्रोडक्ट मीन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है राइट right? सॉरी uh, मैंने एक्स बनाने वाली मल्टीप्लीकेशन होता है ओके सो एज यू ऑल नो अब जैसे कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है मान हम लो हमारे पास एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं वो एग्जाम्पल हमारा ये है माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई माइनस थ्री ब्रैकेट हम लोग लास्ट में लगा देंगे मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव दिस इज आवर क्वेश्चन ओके हम यहाँ पे ब्रैकेट पुट कर देती हूँ ठीक है so, सो ये हमारा क्वेश्चन है पहले हम क्या करेंगे फोर को थ्री से करेंगे सो so, फोर को थ्री करेंगे से करेंगे तो फोर थ्रीजा बिकम ट्वेल्व माइनस माइनस बिकम प्लस तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे जब हमारा आंसर आ चुका है ट्वेल्व तो हम क्या करेंगे Uh, जो हमारा माइनस फाइव है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फाइव से हम मल्टीप्लाई करते हैं कि हम साइन का हम लोग बाद में देखते हैं सो वेन वी वी मल्टीप्लाई ट्वेल्व फ्रॉम फाइव वी गेट आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं वहाँ पे मैं कर नहीं सकती लेकिन मेरे को पता है आंसर फाइव टू जै बिकम फाइव टू जै सैन जीरो वन कैरी इधर वन कैरी हो जाएगा फाइव वन जै फाइव प्लस वन सिक्सटी आंसर विल बिकम सिक्सटी अब इधर हम लोगों ने किया था जैसे सेकेंड एक बार इसे हटा देती हूँ हाँ तो हम लोगों ने यहाँ पे किया था जब हम लोग फोर को थ्री से किया था तो विगेट प्लस साइन राइट सो ट्वेल्व को जब हम लोग फाइव से किया तो विगेट सिक्स एंड जब हम यहाँ पर फाइव प्लस uh, का साइन है इधर हमारे एक माइनस का साइन है सो प्लस माइनस विल बिकम प्लस माइनस माइनस एंड वे विल पुट हेयर द साइन ऑफ माइनस ओके वट इट माई पॉइंट सो आवर आंसर विल बिकम माइनस सिक्सटी आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा सो इन दिस पार्ट इज अन्ट इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स अब एक्चुअली ये जो थे ये हम बस हमको समझाने के लिए थे कि अगर हम लोगों को uh, इसको इससे करेंगे तो वट विल गेट सो ये हम लोगों ने क्लियर कर दिया अब यहाँ पर हमारे पास uh, शुरू होती है असली वाली प्रॉपर्टी मतलब अब इसमें हमको बताएगा कि एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ में कहा क्या गया है ओके सो हेयर इट इज स्टार्ट पहला आता है हमारा क्लोज अंडर एडिशन क्लोज अंडर एडिशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा ए मल्टीप्लाई बाय बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर ए एंड बी मैं हूँ मेरे हिसाब से आपको नहीं समझ आएगा तो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ यहाँ पे आपको दिया हुआ है वो फाइन द पेयर ऑफ इंटीजर्स इन दिस दिस प्रोडक्ट इज नॉट एन इंटीजर नाउ दिसन आई डेटक्ट ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर सो वी कैन सी दैट दूस मल्टीप्लीकेशन सो इसमें यह कह रहा है कि अगर जो हमारा इन्फ्लुएंस है और ये हमारा एक स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे हमको जो क्या है यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट गिवन है और यहाँ पे हमारा इन्फ्लुएंस गिवन है तो इसमें यही कहा गया कि अगर हम लोगों को ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है so, सो हमको क्या मिलेगा एक एम मिलेगा ठीक है सो ये हम लोगों का कवर हो गया इसके बाद आता है हमारा कम सॉरी कॉमटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ठीक है इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए ओके ठीक है तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम लोग ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट बी मल्टीप्लाई बाय ए जैसे कि मान लो बी मल्टीप्लाई माइनस टू फ्रॉम माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में माइनस टू फाइव टू ज टेन माइनस माइनस प्लस इधर इससे करेंगे फाइव टू जेन माइनस माइनस प्लस दोनों में हमारा आंसर कितना आएगा टेन इज इक्वल टू टेन मतलब अगर हमने ए वाले पार्ट को भी सोल्व किया विगेट आंसर टेन और बी वाले पार्ट को जब सोल्व किया विगेट सेम आंसर सो इन दिस property it is saying that this is a property which we are covering and it is uh, the our next is multiplication of uh, by, sorry multiplication by zero matlab agar hum log koi bhi number ko koi bhi number ko kis se multiply karte hain zero se multiply karte hain to we get zero okay, so जैसे कि हमको minus थ्री चलो ये वाला question करते हैं minus मान लो अगर हमने minus फाइव को multiply करना है zero से so तो what we will get we get ओके okay. अगर मान लो अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हमको वही सेम नंबर मिलता है और जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हमको जीरो मिलता है ओके सो दिस इज़ आवर ज़ीरो प्रॉपर्टी इसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है अब इसमें क्या कहना कहा गया है कि अगर हम लोग कोई भी नंबर को कोई भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं सो वी गेट ए सेम नंबर वी गेट ए सेम नंबर ओके ठीक है अगर कोई भी हम लोग नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं वन से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट अ सेम नंबर ओके सो इन दिस पास दैट नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट विच इज एसोसिएटिव एसोसिएविटी फॉर मल्टीप्लीकेशन अब एसोसिएविटिव क्या है फॉर मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या होता है अगर मान लो हमको a को मल्टीप्लाई करते हैं b से एंड दिस इज आवर ब्रैकेट पार्ट मल्टीप्लाई बाय c होता है इज इक्वल टू हमारा सेम आंसर आएगा जब हम लोग a को मल्टीप्लाई करेंगे और जब हमारा जो ब्रैकेट में होगा हमारा क्या होगा b और c होगा दिस इज आवर क्वेश्चन दिस इज आवर फार्मूला ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ठीक है ऑफ मल्टीप्लीकेशन सो मान लो हमारा ए की वैल्यू है थ्री uh, जिसके यहाँ पे हमको दिया हुआ है अगर मान लो ए की वैल्यू हमारी थ्री सॉरी माइनस थ्री बी की वैल्यू हमारी माइनस टू फाइव की वैल्यू सॉरी सी की वैल्यू हमारी फाइव सो वी गॉट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन ओके सो इसी बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव uh, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा कोई भी नंबर हो जैसे कि मान लो इसका जो फॉर्मूला होता है पहले हम लोग फॉर्मूला से देखते हैं इसमें ये कहता है अगर कोई एक नंबर को मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी दिस इज द इक्वेशन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी मतलब मान लो ए की वैल्यू हमारे पास टू uh, है ए की वैल्यू मान लो अगर हम लोग टू uh, लेते हैं बी की वैल्यू थ्री लेते हैं और सी की वैल्यू फाइव लेते हैं ठीक है तो हाँ, हाँ, हमारा आंसर क्या आएगा देखते हैं ए को मल्टीप्लाई पहले हम लोग बी और सी को प्लस करेंगे तो बी और सी को प्लस करने के बाद हमारे पास आ गया एट थ्री प्लस फाइव एट अब एट हमको एट हम क्या करेंगे एट को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे टू से ए से एट टू जा बिकम सिक्सटीन एट वन जाट एट टू जा सिक्सटीन अब वही अगर हम लोग ये सेकेंड वाला हम लोगों ने तो अभी ये वाला पार्ट करके देखा अब हम लोग ये वाला पार्ट करके देखते हैं नाउ वी सॉल्व दिस वन पार्ट जब हम लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं तो नाउ लेट सी वट वी गेट सो ए मल्टीप्लाई बाय बी ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या होगा हमारा टू थ्री जा इज इक्वल टू सिक्स वी गेट अ सिक्स प्लस हम लोग करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय सी अब हम क्या करेंगे टू को मल्टीप्लाई कर देंगे सी uh, सी तो वी गेट फाइव तो फाइव टू जॉ टेन अब क्या होगा टेन को हम लोग क्या करेंगे सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे वट वी विल गेट सिक्सटीन हमारा ऐसे भी आंसर सिक्सटीन आया और हम लोगों ने जब दूसरी वाली क्वेश्चन की तभी भी हमारा आंसर सिक्सटीन आया ओके सो दिस इज़ दि आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इसके बाद हमारा आता है मेकिंग मल्टीप्लीकेशन ईजिया हम लोग uh, कोई भी मल्टीप्लीकेशन को ईजियर फॉर्म में कैसे कर सकते हैं तो so, इसमें हमको ये बताया गया है कि सो so, इसमें क्या कहा गया कि, है कि मान लो हमारे पास कोई नंबर है माइनस ट्वेंटी फ़ाइव हमारा मान लो ब्रैकेट में brackets, है इट इज़ इन ब्रैकेट एंड माइनस थर्टी सेवन मल्टीप्लाई बाई फोर है दिस इज़ आवर नंबर तो हम क्या करेंगे थर्टी सेवन को फ़ोर से कर देंगे जो हमारा आंसर आएगा वी मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फ़ाइव सो इसमें यही बताया गया है इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ठीक है तो हमारा ये पार्ट भी कवर हो चुका है एक तरीके से इसके बाद हमारा था एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री इसके बाद आते हैं हमारी डिविज़न प्रॉपर्टी जो हमारी डिविजन प्रॉपर्टी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे सो so, आज के वीडियो में काज इतना ही मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा शेयर कर लीजिएगा लाइक कर दीजिएगा सो टिल देन